हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। आई एम बैक विद द 12th टेस्ट पेपर सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ एनटीए अभ्यास ऐप। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर इन, तो यार ये पार्थोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें फीमेल गैमेट डेवलप करता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, हनी बीज और रोटीफर्स। तो हमारा एक ही एग्जांपल इसमें दिख रहा है, कौन सा, हनी बी, तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनकरेक्ट मैच को हमें सेलेक्ट करना है। पहला है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बारे में क्या बोल रहा है कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमीफेनस ट्यूबुल्स इन विच स्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस ओपन्स इनटू वॉस डिफरेंसिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा कि द फिलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड फॉर एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी सही है। लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, और वो गलत क्यों है, क्योंकि देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, और ये जो लेयर होता है ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी हमारा जो फोलिकल होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फोलिकल में। उसमें डेवलप क्या होता है, एंट्रम डेवलप होता है। एंट्रम किसको बोलते हैं कि फ्लूइड फील्ड कैविटी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, और वो दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इनर लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना और आउटर लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक। लेकिन आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट। पहला है इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। सही बात है। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड, हाँ मेमोरी सेल्स फॉर्म होती है, क्यों, क्योंकि अगर एक बार कोई हमारे अंदर माइक्रोब्स आ गया तो अगर वो दोबारा आएगा तो हमारा बॉडी उसको एज अ फॉरेन सेल्स क्या है, रिकॉग्नाइज कर लेगी और बचा लेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है कि एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। बिल्कुल गलत बात है, एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे बनता है, तभी तो मेमोरी सेल्स में क्या है, स्टोर होता है। तो दोबारा जब वो माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में आता है तो क्या करता है हमारा एंटीबॉडी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, और रिकॉग्नाइज करके हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज रेजिस्टेंस टू वाइट रस्ट। ये जो पूसा स्वर्णिम होता है ना, जिसको और हम क्या बोलते हैं, करण राई, ये ब्रेसिका का वराइटी है जो कि वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, करण राई। इसका एक और नाम है क्या, पूसा, क्या, पूसा स्वर्णिम, क्या नाम है, पूसा स्वर्णिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, इट इंक्लूड्स इन ब्रीडिंग ओनली, नहीं, इन ब्रीडिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग, नहीं, आउट क्रॉसिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग, नहीं। डी ऑप्शन हमारा सही है कि आउट क्रॉसिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग प्लस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये आउट ब्रीडिंग है वो किससे रिलेटेड, एनिमल से तो रिलेटेड नहीं होता है ये, या तो सेम ब्रीड में हो सकता है जिसके कॉमन एंसेस्टर हो 4 to 6 जनरेशन तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग, या फिर उन डिफरेंट ब्रीड्स में हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर डिफरेंट स्पीसीज में हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को इन्वॉल्व करता है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसको हम और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो उसमें किसका यूज होता है, माइक्रोब्स का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज इंसर्शनल एक्टिवेशन। पहला ऑप्शन क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ द होस्ट सेल, ना, इनएक्टिवेशन ऑफ प्लास्मिड, नहीं,
इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, जब भी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं किसी भी कोडिंग सीक्वेंस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इनएक्टिवेशन कर देता है किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के हेल्प से। फिर उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और वो किसके प्रेजेंस में होता है, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कि ब्लू कलर का कॉलोनी फॉर्म करता है। ठीक, अगर कोई प्लास्मिड बैक्टीरिया उसमें इंसर्ट ना हुआ हो, ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन जब किसी पैथोजन से होता है तो वो डिटेक्ट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, एंटीजन के प्रेजेंस में, बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म निके ऑफ ए स्पीसीज रिफर्स टू। निके यार उसको बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसमें उसका रोल क्या है और उस इन्वायरमेंट से उसका रिलेशन क्या है। नीके जो होता है वो हैबिटेट होता है उसका, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड ऐसा दिख रहा है। क्या हो जाएगा आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज इन एन एरिया कैन हैव डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज बाई डिस्प्लेसिंग नेटिव स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। मान लो अगर वो सुपीरियर हुआ तो इन्फीरियर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। प्रेइंग ऑन नेटिव स्पीसीज, ये भी सही है। कम्पटेटिंग विथ नेटिव स्पीसीज फॉर फूड और शेल्टर, जब एक ही जगह पे बहुत सारे एग्जॉटिक स्पीसीज आ जाएंगे तो किसके लिए कंपटीशन होने लगेगा, फूड के लिए कंपटीशन होने लगेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो सुपीरियर होंगे वो क्या कर देंगे, इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब पोल्यूटेंट्स हमारे एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा क्या होता है कि कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो जाता है। बहुत सारे पहले के, मतलब क्या बोलते हैं, पहले बहुत सारे सालों से हमारे लेक्स में, रिवर्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या है, इकट्ठा हो रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि नाइट्रेट्स वगैरह कंटेमिनेट हो रहे हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू पोल्यूटेंट्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इफ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन अ नेचुरल सिस्टम। तो ये फोम है भाई, फोम। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है सीवेज में, वो क्या इंक्लूड करता है इंटीग्रेटेड मैनर में, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस का ट्रीटमेंट। और उसका एग्जांपल एक साथ सा क्या है, अरकाटा, जो कि हमारे नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, ये आपको बेसिकली याद करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन सोन इन द गिवन डायग्राम इज फ्री सेंट्रल है ये, एनसीईआरटी मोर्फोलॉजी इन हायर प्लांट से बनाया गया। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, डाइएंथस एंड प्राइमरोज। कौन कौन सा, डाइएंथस और प्राइम रोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्लास्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल होता है। सिंपल सी बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, देखो प्लाज्मिड क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी एक और खास बात क्या है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड रिप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस। पाइनस क्या है यार, एक हमारा जिम्नोस्पर्म है और वो बहुत एडवांस है एज कंपेरिजन टू हमारे ये जो अलगे है या फिर हमारे ये जो ब्रायोफाइटा है या फिर ये जो हमारा टेरिडो फाइटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीडोपोडिया आर फाउंड इन डैश एंड हेल्प इन डैश अमीबा, और किस में हेल्प करता है, फेगोसाइटोसिस में। छोटे क्लास में हम क्या पढ़ के आए हैं कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या होता है उनका न्यूक्लियस ब्रेक करता है, फिर मूवमेंट होता है सिलिया फ्लेजला का, टेंटेकल्स का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अमीबा फेगोसाइटोसिस शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि
ए बी और ये जो ए है ये बी है सी है और डी है हमें बताना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। इसके एलिमेंथीज में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में क्या हो जाता है? कंप्लीट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लेटी हेलमेंथीज में एबसेंट होता है और एनलीडा में भी एबसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी मतलब क्या यार? मोनोकॉट। और मोनोकॉट का फ्लावर क्या होता है? ट्राइमेरस। इसलिए क्यों? वो थ्री कार्पेल्स वो करते हैं जो कि क्या होता है? सीन कार्पस। और ओवरी उनका क्या होता है? ट्राइलोकुलर। और प्रेजेंटेशन कौन सा शो करते हैं वो? एग्जाइल प्रेजेंटेशन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग डाइकोट स्टेम इज स्टेंड विथ आयोडीन सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल स्टेंड डार्क ब्लू। आयोडीन सोल्यूशन किस लिए यूज करते हैं हम? स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। और हमारे डाइकोट स्टेम में जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो कौन सा होता है? एंडोडर्मिस होता है। और एंडोडर्मिस के सेल्स बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं किसमें? स्टार्च ग्रेन्स में। और वो एक लेयर बनाते हैं, कैसा? स्टार्ची सीथ लेयर बनाते हैं। इसलिए वो क्या है? ब्लू कलर हमें देता है। एनाटोमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ये पढ़ते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना द वेंट्रल स्क्लेराइट इज कॉल्ड स्टरनाइट। देखो, पूरा जो इंटायर बॉडी होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का वो क्या है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये एक्चुअली आपको याद कर लेना, मेरे को नहीं लगता है कि ये आपके नीट एग्जाम में आ सकता है, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को हमें आइडेंटिफाई करना है। दे रहा है कि ब्लड ग्रुप ए एंटी ए ब्रैकेट एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। नहीं, ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडीज तो एंटी बी होता है। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया क्या कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी करेक्टली कोरिलेटेड विथ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है यार? हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, रीअब्जॉर्प्शन करना, डिसेंडिंग लिम में जो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है वहाँ पे फिल्ट्रेट को मूव कराना, असेंडिंग लिम जो कि इम्परमिएबल टू वाटर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव कराना, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम कहाँ पे होता है? हेनले के लूप में होता है। और क्या ये सोडियम क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है? और 15% ऑफ वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो पाता है कहाँ से? फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले से। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यार? एक तो ऑप्शन हो गया बी नंबर ऑप्शन, और एक ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा करेक्ट? सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 23, द इंजाइम दैट कैटलाइज द डाइजेशन ऑफ फूड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोलाइसिटिक, ये जितने भी सारे हैं ये किसका काम है? हाइड्रोलिस का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, मेटाफेज के कंडीशन में क्या होता है कि इक्वेटर पे सारे के सारे आके अलाइन कर जाते हैं। एनाफेज के टाइम पे क्या हो रहा है? तो होता है कि सेपरेशन होता है। एनाफेज वन के टाइम पे क्या होता है? क्रोमोजोम पेयर सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? डिसजंक्शन बोल रहे होते हैं। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। और वो किसके टाइम पे होता है? जाइगोटिन के टाइम पे होता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोअरिंग इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। क्योंकि ये नेगेटिव होता है यार, जैसे तुम वाटर, जितना ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा वाटर का वर्क करेगा, लेकिन जैसे तुम उसमें सोल्यूट डालते जाओगे वाटर का, सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देंगे और बच क्या जाएगा? बहुत ही कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल, जिसके वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम इंड्यूसेस अ डेफिशिएंसी ऑफ सबका मैग्नीशियम आयरन कैल्शियम, सबका डेफिशिएंसी ये कर देता है। और एक्सेस ऑफ मैंगनीज तो और भी डेफिशिएंसी करा सकता है, किस चीज़ का? आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो क्या हो जाएगा ये? ऑल ऑफ द अबव, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन ऑफ 6 RuBP इन C3 साइकिल रिक्वायर 6 ATP। रीजनरेशन जो स्टेप है वो किसके किसके बीच में होता है? RuBP का, किस से? फॉस्फेट से। RuMP से बनता है क्या हमारा? RuBP। और
CO2 के फिक्सेशन के लिए केल्विन साइकिल 6 ATP कंज्यूम करता है, कहाँ पे? रीजनरेशन स्टेप में, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस फेट ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिडक्शन, रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे तो इसका होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत हुआ, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेल वॉल थिकनिंग प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आर अब्सॉर्ब्ड इन विच फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मेचुरेशन। फेज ऑफ मेचुरेशन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, जहाँ पे सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज होता है और डिफ्रेंशिएट होता है कि उसको क्या का काम करना है। सेल वॉल का मटेरियल का डिपोजिशन जो होता है वो इसी कंडीशन में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा स्पेशल फंक्शन वो सेल करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेज ऑफ मेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डाइजेशन इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन इनटू अ फॉर्म दैट इज एब्जॉर्बेबल। जब तक हमारा फूड पार्टिकल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं हो जाता है, तब तक हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, और उसके लिए हमारे बॉडी में दो तरह का डाइजेशन चल रहा होता है, कैसा कैसा, एक मैकेनिकल और एक केमिकल, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए क्या कि ये बातें किसकी कर रहा है, तो ये बातें कर रहा है आपका किसका, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है यार, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 1100 ml, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ, क्यों, क्योंकि कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है यार, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, और ईच ट्यूब्यूल लाइन होते हैं किससे, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से, और वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, और उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, यूरिक एसिड में, जो कि बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसीलिए इंसेक्ट क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्यूक्लियोलस यूजुअली एसोसिएट्स विथ क्रोमेटिन एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, NCERT का क्वेश्चन। ये प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम पे और हेल्प करता है रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैन बी लोकेटेड इन, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑटोनोमस सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ये देखो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है ना, ये इन्वेलप्ड होता है किससे, स्क्वान सेल से, और ये कोई माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता है एक जोन के चारों तरफ, इसीलिए जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कॉमनली ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सम सेल्स इन टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड द हार्मोन स्टिमुलेटिंग सच सेल्स आर रिलीज इन द ब्लड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो यार एंटीरियर पिट्यूटरी में दो होता है, FSH और LH होता है, LH को और हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इनका बहुत ही अलग अलग काम है। मेल में FSH का काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना, फीमेल में काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करना, मेल में क्या है, सिंथेसिस करता है किसका, एंड्रोजन्स का, जो कि मेल हार्मोन है, और फीमेल में ये क्या इंड्यूस करता है, ओवुलेशन किसका, ग्राफियन फोलिकल का। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ बोथ RNA एंड एंटीसेंस RNA, NCERT का क्वेश्चन। ये जो RNA इंटरफेस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि RNA मॉलिक्यूल इनहिबिट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन बाई न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड mRNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
वॉट इज द रोल ऑफ जर्म पोर इन पोलेन ग्रेन। जर्म पोर का काम क्या होता है? देखो जहां पे स्पोरो पोलेनिन एबसेंट होता है ना, वहां से जर्म पोर उसको बोलते हैं जर्म पोर। और उसी जर्म पोर से बाहर कौन निकल रहा होता है? हमारा पोलेन ट्यूब। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इमर्जेंस ऑफ पोलेन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ प्लांट एंड एनिमल। यूग्लेना भाई, यूग्लेना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, जो कि मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूग्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वराइटी रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस डेवलप्ड इन इंडिया? जवर एंड मेज। जवर एंड मेज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड विच प्लान टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री? गंगा एक्शन प्लान एंड जमुना एक्शन प्लान, दोनों के दोनों एनसीईआरटी हमारी बात करती है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? क्योंकि जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है हमारा, उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? माल्फिजियन ट्यूबुल्स इन पेरी प्लानेटा अमेरिकाना आर कितना से कितना नंबर में होता है? ये भी रटने वाला क्वेश्चन, 100 से 150। लेकिन मैटर करता है कलर कौन सा होता है, तो येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमाइनो एसिड प्ले सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म? एनसीईआरटी क्वेश्चन। ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड वो पहला अमाइनो एसिड है जो कि नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म में सिंथेसाइज होता है। किसकी वजह से? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड्स के रीएमिनेशन के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन सी3 प्लांट? एनसीईआरटी क्वेश्चन। CO2। सी3 प्लांट के लिए ना CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रूबिस्को जो होता है ना, वो हाईली सेंसिटिव होता है किससे? CO2 के कंसंट्रेशन से। जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, और जब CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेज्ड? पहला है राइबोजाइम 23 RNA, सही बात है। सेकेंड है ये क्या? लेक ए परमीज। लेक के जीन ऑफ लेक ओपेरॉन इनकोड्स फॉर एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज एंड एंजाइम परमीज विच इंक्रीजेस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रोज इज कोडेड बाई इलेक्टेड वाई जीन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवेन अबाउट द डिजीज कॉमनली कॉज्ड बाय दिस फंगल जेनेरा। ये जो तीनों एग्जांपल्स दिए हुए हमारे किसके हैं? रिंग वॉर्म के हैं। और ये जो रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है, बेसिकली हॉट एंड ड्राई कंडीशन में होता है। समर के टाइम पे क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं। कैसे? ड्राई स्केली लेजन्स, लाल लाल हो जाता है, खुजली होने लगती है स्किन में, नेल्स में, ठीक है, इचिंग होने लगती है। तो ये किसके वजह से होता है? इसका ग्रोथ किसके वजह से डेवलप होता है? तो हीट और मॉइस्चर क्या है ना कि प्रमोट करते हैं इसके ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को? फंगस के ग्रोथ को। इसलिए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि विंटर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 46 नंबर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव एन एसोसिएशन विथ राइजोबियम? ठीक, किसका किसका है? तो इसमें से टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये जो इसमें से बस दो हैं हमारे, अल्नस और फ्रेंकिया, इनका एसोसिएशन लेग्यूम फैमिली से नहीं होता है, ठीक। बाकी जितने भी सारे हैं वो क्या है? लेग्यूम प्लांट्स, और लेग्यूम प्लांट्स वो क्या करते हैं? एसोसिएशन विथ राइजोबियम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बाकी दो को छोड़ के। किसको किसको छोड़ के? एल्नस और फ्रेंकिया को छोड़ के। एल्नस को छोड़ के और फ्रेंकिया को छोड़ के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, सेलेक्ट द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस इन नेचर। हाँ, प्लाज्मा विस्कस होता है, सही बात है। इसिनोफिल्स आर 2-3% ऑफ टोटल WBC, बिल्कुल सही बात। थर्ड है कि लिम्फोसाइट आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, क्या सही बात है ये? देखो यार, ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये 20-25% होता है वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग वंस। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है
स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल पंप्स ड्यूरिंग 1 मिनट. देखो एक कार्डियल साइकिल के टाइम पे ईच वेंट्रिकल जो है अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक और बीट वॉल्यूम. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन सी भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, क्योंकि डब्ल्यू बी सी क्या है हमारा, कि एक्चुअली यार क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि ये सी ऑप्शन भी सही है. क्या ये सी ऑप्शन भी हमारा सही है? तो इसमें बस जो गलत है वो कौन सा है, बस डी गलत है, सी भी हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. पहला है वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम कल्चर, सही है. सोमा क्लोनल वेरिएशन मे बी प्रेजेंट इन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केलस, बिल्कुल सही. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, गलत है. देखो सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है, कि वो जेनेटिक वेरिएशन जो एब्जॉर्ब कब ऑब्जॉर्ब होता है अमॉन्ग द प्रोजेनी ऑफ प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, कहाँ पे, इनविट्रो कल्चर में. ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू मियोसिस नहीं हो सकता है. ठीक है, म्यूसिस इन्वॉल्व नहीं होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि विच ऑफ दिस इकोसिस्टम हैज़ द लोवेस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर ओपन ओशियन. जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो ओपन ओशियन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन आर सपोज टू हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन. देखो वो हार्मोन जो कि स्पेसिफिक हार्मोन से बाइंड करे वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक होता है सरफेस रिसेप्टर. तो इसमें जो हमारा थायरोक्सिन और ये इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन है, ये कौन से हो जाएंगे हमारे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि इन लाइट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी द साइट इज, एटीपी सिंथेसिस के लिए साइट कौन सा, मतलब डार्क रिएक्शन कहाँ चलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रोमा ऑफ थायलोकोइड मेम्ब्रेन. ठीक है, ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन चल रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर देन अदर बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल. उनका जो सेल वॉल होता है ना वो उनको हेल्प करता है उस वैसे कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन्स होते हैं. लेकिन एक खास बात क्या, कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट रहता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सेल वॉल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विच प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब एंड हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन इज, कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, बोरोन. बोरोन क्या रेगुलेट करता है, पोलन जर्मिनेशन और पोलन ग्रोथ को. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब 5 sRNA. देखो ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ना, ये 3 चीज़ों को ट्रांसक्राइब करता है. किसको किसको, 28S को, 18S को और 5.8S को. लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो किसको करता है, 5 sRNA को. ठीक है, तो हमसे यहाँ पे 3 पूछा गया है, अगर 1 पूछा गया होता तो हम ये बोलते. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 क्या बोल रहा है, कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला है नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स, सही है, बिल्कुल सही है. नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ना उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड. तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सेट ऑफ एग्जाम्पल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम. एग्जाम्पल देखो यार, एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा और इंट्रोबायोस, जो सी ऑप्शन है हमारा, ये दोनों किस में आते हैं, राउंड वॉर्म में आते हैं, मतलब एसके हेलमेंथीस ग्रुप के ये दोनों हैं. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एनसाइक्लोस्ट्रोमा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है, कि द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म. कलेक्शन और प्रिजर्वेशन डिफरेंट वराइटीज़ का, डिफरेंट स्पीसीज़ का, कल्टिवेटेड स्पीसीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैज डैश कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोजोम, थर्ड ट्राइसोमी. क्या
थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो इसमें कौन सा होता है, थ्री कॉपीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री किसमें मिलता है यार, स्पॉन्जेज में, सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है और क्या हमारे इकाइनोडर्मेटा में, कौन से इकाइनोडर्मेटा में, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में मिलता है क्या रेडियल सिमेट्री, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या बोला कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, नहीं, एडल्ट में होता है। फिर दे रहा है कि मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस, मोस्ट नहीं, फ्यू ऑफ स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है। मोलस्क दे रहा है, मोलस्क में नहीं होता है। नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्या बोल रहा है कि सिलिएटेड एपिथीलिया इज फाउंड इन, जो हमारा सिलिएटेड एपिथीलियल होता है यार, एक कॉलुमनर एपिथीलियल सेल होता है और इसके ऊपर क्या होता है, सिलिया होता है, किस चीज़ के लिए, पार्टिकल्स को मूव करने के लिए या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। और ये सिलिएटेड एपिथीलियम जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू मसल इज कॉल्ड टेंडन, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट, लेकिन बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है हमारा, ये टेंडन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रोटीन दैट इज इन्फेक्शियस टू द लिविंग सेल्स आर टर्म्ड एज प्रायोन्स, प्रायोन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि नॉर्मल प्रोटीन को जो हमारे ब्रेन में है उनको एबनॉर्मली फोल्ड करने में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रायोन। ये भी आपके एग्जाम में पूछने का चांस एकदम 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन इज टर्म्ड एज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा यार, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या क्या आ जाएगा, ERV, फिर टाइडल वॉल्यूम और फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। देखो यार ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, वाइटल कैपेसिटी किसको बोला हमने कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, लेकिन अगर वही फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे होते तो क्या बोलते कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गेमिटोफाइट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट इज नॉन एज एपोगेमी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बिना किसी सेल के, एम्ब्रियो से के बने, उसको हम क्या बोलते हैं यार, एपोगेमी। एपोगेमी बनता कैसे, या तो सिनर्जिड से या फिर एंटीपोडल के सेल से बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपोगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, माइक्रोट्यूबुल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैविंग अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, माइक्रोट्यूबुल क्या है यार, एक माइक्रोस्कोपिक होलो ट्यूब है, किससे बना हुआ है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बना हुआ है, ठीक, जो कि हमारे सेल के साइटोस्केलेटन का पार्ट है, ठीक। ये क्या है ना कि प्रोटीन का नेटवर्क है, ठीक, एक्सटेंडेड रहता है पूरे हमारे सेल में, हमारे सेल को क्या करता है, ये शेप देता है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, माइक्रोट्यूबुल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किस चीज़ में, न्यूक्लिक और सेल डिवीजन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर में, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रोजोम, स्पिंडल फाइबर, फ्लेजेला और सिलिया हो जाएगा, ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डीएनए, डीएनए क्या है यार, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ टीथ इज अब्सेंट इन अ चाइल्ड डेंटाइशन प्रीमोलर, इसीलिए तो बोलते हैं हम क्या कि 2102/2102, मतलब क्या कि प्रीमोलर तो अब्सेंट होते ही है लेकिन एक लास्ट मोलर भी एब्सेंट होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्री मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स द फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनेज को किससे, ऑक्सीजन के एक्टिविटी से। देखो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ना, एक ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर, वो क्या करता है कि मेंटेन करता है लो ऑक्सीजन टेंशन को, कहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे। ये एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कहाँ पे, लेग्यूम्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि NPP इज हाईएस्ट इन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पे होगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और हमारे इस चारों ऑप्शन में से
टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बस एक ही दिख रहा है, कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे क्या है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि जितने भी उसमें सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी का यूज करके और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. देखो, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा पी. ठीक, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है यार? हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करता है. वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन कौन करता है? क्यूआरएस. वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन कौन करता है? टी वेव करता है. कौन करता है? टी वेव करता है. ठीक है, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? टी वेव क्या करता है? सी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज अ पोटेंट हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन? ग्लूकागोन. ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए. और ग्लूकागोन का मेनली जो काम है ना वो लीवर सेल्स पे होता है. और लीवर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं यार? हेपाटोसाइट्स बोलते हैं. और वो वहाँ पे क्या स्टिमुलेट करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस से क्या होता है कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं. इसका एक और भी काम है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रोमोट करता है. उसके वजह से भी क्या होता है कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है. ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्लूकागोन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 72. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेट्रोवायरस. पहला ऑप्शन क्या है कि एन आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन. लो, पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल चुका है. रेट्रोवायरस किसको बोलते हैं? कोई भी ग्रुप का वायरस जो कि रेट्रोवायरोडी फैमिली से बिलोंग करता हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो कि वो जेनेटिक मटेरियल कॉपी कैरी करता हो, और कौन सा? आरएनए, ना कि डीएनए. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 73. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फोलिकल इंटू टर्सरी फोलिकल. कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू. कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू अकर हमारा नहीं करेगा. ठीक है, ऊजनेसिस अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है जब वो टर्सरी फोलिकल में बनता है तो क्या होता है कि जो पोलर बॉडीज होते हैं वहाँ पे वो काम आ रहे होते हैं. तो टर्सियरी फोलिकल चेंज होता है हमारा मेच्योर फोलिकल में या फिर ग्राफियन फोलिकल में, तो क्या नहीं होता है? मियोसिस टू नहीं होता है. ठीक है, बस मियोसिस वन होता है. 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू हार्मोन इज हैविंग डिफरेंट सोर्सेज. पहला क्या है? GnRH और सोमेटोस्टेटिन. इसका सोर्स एक ही है क्या? हाइपोथैलेमस. क्या है? हाइपोथैलेमस. दूसरा है प्रोलेक्टिन एंड थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका सोर्स क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी. थर्ड ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. इसका सोर्स क्या है भाई? हाइपोथैलेमस. सिंथेसाइज किससे होता है? हाइपोथैलेमस से. लेकिन सीक्रेट किससे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन है इसका सोर्स अलग अलग है. कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? थायरॉइड से आता है. और ये पैराथायरमोन किससे आता है? पैराथायरॉइड से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76. क्या बोला है 76 नंबर क्वेश्चन कि इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ इट्स मेल प्रोजेनी द डिजीज इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा. कैसे होगा? ये जो हमारा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस होता है ना, वो एक ऐसा इनहेरिटेंस है जो कि एक्स क्रोमोजोम के वजह से होता है. ठीक, तो एक्स क्रोमोजोम फीमेल का होमोजाइगस होता है किसी भी जीन म्यूटेशन के लिए, क्योंकि उसमें एक्स एक्स ही होता है. लेकिन हमारा जो फीमेल का है वो क्या होता है, जो मेल का है हमारा क्या होता है? हेटरोजाइगस होता है. तो फीमेल क्या है कि 50% एक्स में, एक एक्स में रहेगा और 50% एक एक्स में रहेगा. तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसका सन अफेक्टेड हो सकता है अगर मदर क्या हो, कैरियर भी हो. तो क्या हो जाएगा? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो जाएगा. सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहां पे है होमोजाइगस कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु हैज ड्रॉन द सेम कंक्लूजन ऑन इवोल्यूशन लाइक चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड आर वेलेस. एक साइंटिस्ट थे वो, ज्योग्राफर भी थे, आर्थ्रोपोलॉजिस्ट भी थे. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही रटना है ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट कैम्बियम इज. रूट कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है. वास्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? लेटरल ग्रोथ के लिए है. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएगा कौन हमारा? रूट कैम्बियम. ठीक,
वस्कुलर कैम्बियम से ही क्या बनता है यार हमारा, लेटरल कैम्बियम से ही क्या बनता है हमारा, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 79 कि एना बेना लिव सिम्बायोटिकली विथ एजोला, एजोटो वेक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सन इन द सोइल, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव आर करेक्ट। दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि जो एना बेना है ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होता है इसका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एजोला के साथ। एजोटो वेक्टर क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, जिसको हम डाइएजोट्रॉप भी बोलते हैं, ठीक। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं करते, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफेक्ट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज्ड इफ पॉपुलेशन इज लार्ज। क्या पॉपुलेशन जब लार्ज होगा तो क्या होगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज जीन फ्रीक्वेंसी में अगर क्या कब होता है, बाय चांस होता है, और उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 82, अ लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और वो अच्छे से अपना ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओवर सप्लाई हो जाएगा ना न्यूट्रिएंट्स का, जो कि अल्गिक ग्रोथ और ऑक्सीजन डिप्लीशन अकर करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क विच बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सुबेरीन डिपोजिशन। क्या सुबेरीन डिपोजिशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ के प्लस इंटू गार्ड सेल्स। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। जब भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, फिर टोटल वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन शोइंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं यार, वो ऑर्गेन जो कि ओरिजिन में सिमिलर हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट हो, तो इसका क्या हो जाएगा, थॉर ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिस्थेनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट किसके। एगो मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है यार, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। इसमें क्या होता है ना कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन मोटर एंड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 5 एलील्स, हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल फॉर दिस कैरेक्टर। तो इसका हम फॉर्मूला होता है क्या, एन बाय टू एक्स इंटू एन प्लस वन, ठीक। जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अलील है, इससे निकालोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सिम्टम ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाई एंटीहिस्टामिन, बहुत सही। एडेनलिन इससे भी कर सकते हैं और स्टेरॉइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन। हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है मान लो तो, और क्यू स्क्वायर मान लो स्मॉल ए स्मॉल है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस का क्या हो जाता है, 2pq हो जाता है, q यहाँ पे 0.4 है, तो p कितना आ जाएगा, 1 - 0.4, तो 0.6। इस फॉर्मूले के थ्रू तुम बनाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.84। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, टेस्ट नंबर 12 अगले टेस्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम, ऑल द बेस्ट। Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.